नमस्ते दोस्तों, कैसे लगे आपको बेड बैग के ये डिज़ाइन? इन सभी डिज़ाइनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है लोवर्स। लोवर्स को यूज़ करके ही सारी बेड बैग वॉल बनाई गई है। बेड बैग वॉल को लोवर्स के माध्यम से डेकोरेट करने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। ऐसे लेटेस्ट 10 पैटर्न हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उन पैटर्न में आप लोवर्स को अगर सेट करते हैं तो बहुत ही प्रीमियम लुक आपके बेड बैग वॉल का आएगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, 1 से लेकर 10 तक हम आपको बहुत ही अच्छे पैटर्न दिखाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहला पैटर्न है जो बेड बैग वॉल है उसको पूरी तरह से लोवर से ढक देना। अब इसमें राइट एंड से लेकर लेफ्ट एंड तक पूरी वॉल पर एक जैसे ही लोवर हमें लगाना है। अब इसके अंदर इसको और डेकोरेट करना है तो उसके ऊपर हम फोटो फ्रेम्स लगा सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं, कोई कंसीड लाइट लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमें बेड बैग वॉल को और ज़्यादा डेकोरेट कैसे करना है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि पूरी वॉल पे आपको लोवर्स लगाने पड़ेंगे, तो आप अपने बजट को ध्यान में रख के पैटर्न अपनाइए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बेड बैग वॉल 12 फुट से ऊपर जा रही है तो ये पैटर्न आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि 12 फुट से ऊपर की वॉल पे पूरा लोवर्स लगाने पर बहुत ज़्यादा एक मोनोटोनस सा लुक आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो लगभग 8 से 10 11 फुट की अगर वॉल है बेड बैग, तो इस तरह का पैटर्न आप जरूर लगाइए। अब जो हमने देखा फुली लोवर्स लगाने की जगह हम और क्या कर सकते हैं, तो दो ही मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड नंबर पर हम कर सकते हैं कि जो हमारी बेड बैग है, जो गद्दी है, उसके जस्ट ऊपर हमने लोवर्स लगा दिए। ऐसा लगेगा कि लोवर्स गद्दी के पीछे से निकल रहे हैं, और गद्दी के जो विड्थ है, मान लीजिए 6 फीट की है, 6.5 फीट की जनरल जो विड्थ रहती है उसी के ऊपर लोवर्स लगे हुए हैं। इससे क्या होगा, एक तो जो 10 फुट जो हमारी मोनोटोनस लुक आ रहा था पूरी बेड बैग वॉल का, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड जो जगह बचती है उसमें चाहे तो आप कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं, पेंट करा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं, और हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि लोवर्स का जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा। एक और इसका एक तरीका है, जैसा हमने अभी इसमें तो लगाया बेड बैग के जस्ट ऊपर, अब हम कर सकते हैं कि बेड बैग को आप छोड़ दीजिए, जो गद्दी लगी हुई उस एरिया को छोड़ दीजिए, जो बेड बैग स्टूल्स लगे हुए हैं जो लगभग 1.5 फीट से लेकर 2 फीट चौड़े होते हैं, उनके जस्ट ऊपर आप पूरा लोवर्स लगा दीजिए। इन लोवर्स आप बेड बैग स्टूल से लेकर सीलिंग हाइट तक लेके जाइए, तो 1.5-2 फुट इधर लगेगा, 1.5-2 फुट इधर लगेगा, बीच का हिस्सा छूट जाएगा। उसमें फिर बीच के हिस्से में आप चाहे पेंट कराएं, चाहे पेंटिंग लगाएं, जैसे भी डेकोरेट करना है उसको आप करें, या फिर प्लेन छोड़ें तो भी उसका अच्छा लुक आएगा। तो उसमें भी काफ़ी कम लोवर्स लगकर, लगभग टोटल मिला के 3 फीट चौड़ाई के लोवर्स लगकर हमारी बेड बैग वॉल वाला लोवर्स वाला लुक दे देगी। तो ये पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। लोवर्स वाले लुक को और ज़्यादा इकोनॉमिक करने के लिए केवल एज ए बेड बैग भी हम लोवर्स काम में ले सकते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, लगभग 2 फीट तो उसकी हाइट रह जाएगी, मैक्सिमम 2.5 फीट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगेगी, तो 1.5 से लेकर 2.5 फीट उसकी हाइट हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी रही, लगभग आपके बेड के बराबर, जो जनरली 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट मैक्सिमम ये रहेगी। तो इस तरह से बेड बैग के रूप में लोवर्स लगा कर भी आप हमारे लोवर्स वाला लुक प्राप्त कर सकते हैं। बेड बैग वॉल में लोवर्स लगाने का अगला पैटर्न है वर्टिकली लोवर्स एंड वॉलपेपर या पेंट को एक रेशो में बेड बैग वॉल पे लगाना। इमेजेस आप देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि थोड़ा हमने साइड में लोवर्स लगा दिया, बाकी हिस्से को पेंट कर दिया। लोवर्स और पेंट दोनों में बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ चीज़ें, एक चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, एक चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए। यह भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोवर्स और पेंट का जो जॉइंट है वो हमेशा हमारी बेड बैग की जो गद्दी है उसके ऊपर आए, उससे पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से सेट करके भी आप लोवर्स बेड बैग वॉल पे लगा सकते हैं। अगला जो पैटर्न है वो है कोकून स्टाइल में लोवर्स को बेड बैग के रूप में लगाना। बेड बैग की जो गद्दी है वहां से लोवर्स स्टार्ट होंगे और वो स्टार्ट होकर सीलिंग तक उसी पैटर्न में जाएंगे। ये भी एक कोकून वाला लुक देती है जो लोवर्स के अंदर काफी ज्यादा सुंदर लगता है। लोवर्स को हमने वर्टिकली लगाना तो देख लिया, हॉरिजॉन्टली भी लोवर्स को लगाया जाता है। इसके लिए अगर आपके बेडरूम की बैक वॉल थोड़ी चौड़ी है, मतलब 12-14 फुट रूम की अगर चौड़ाई है, तब भी ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चौड़े रूमों के लिए एक और पैटर्न लोवर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ये आप देख रहे हैं। इसमें क्या करा गया है कि हाफ जो बेड बैक वॉल थी उसमें लोवर्स काम में लिया गया है, हाफ वॉल में पेंट काम में लिया गया है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हम लोवर लगाएं कि ऊपर वाले हिस्से में लगाएं। ज़्यादातर जो अच्छा लगता है वो नीचे वाले हिस्से में लोवर्स लगाना ज़्यादा सुंदर दिखता है। लोवर्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली तो हमने लगाना देख लिया, उनके लुक भी हमें देख लिए। लोवर्स के माध्यम से बेड बैग वॉल पे कई तरह के पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं। अब ये पैटर्न अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का लुक आपको पसंद है। इसमें
दो चीज़ें काम में ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो जो बनाने वाला हमारा कारपेंटर है वो स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि प्री प्लानिंग से इस तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं, थोड़ा इनमें वेस्टेज ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो भी एक आपको ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न बनवाने चाहिए। बट लोवर्स को यूज़ करके इस तरह के पैटर्न से भी आप बेड बैक वॉल को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। लास्ट में कुछ और भी पैटर्न अभी नए नए मार्केट में आते जा रहे हैं जो कि लोवर्स को बेड बैक में यूज़ करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ पैटर्न और मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि वन साइड से शुरू कर सीलिंग से टच करके वापस नीचे उन्होंने उतार दिया, ट्रायंगल के रूप में हमारे बेड बैक के पीछे लोवर्स को लगाया। तो इस तरह के और भी नए नए पैटर्न आते जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको 10 पैटर्न्स पूरे बेड बैक के दिखाए हैं जो कि लोवर्स के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इंटीरियर प्रोडक्ट्स देखने के लिए, उनके यूजेस को समझने के लिए, नए नए पैटर्न समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियो उसी अकॉर्डिंग हम अपडेट कर सकें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।